इमरान खान ने कभी जीवन में नौकरी नहीं करी। क्रिकेट के बाद उन्होंने शौकत खानम के लिए पैसे इकट्ठा करे, उनको एक दिन का एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस नहीं है, और आपने 25 या 22 करोड़ के मुल्क का उसको प्रधानमंत्री बना दिया कि ले बेटा अब तू खेल इससे सीख। तो वो अपनी एक्सपेरिमेंट कर रहा है 22-25 करोड़ लोगों के ऊपर कि मैं कैसे वजीर आजम बनूंगा, मुझे क्या करना चाहिए। देखिए बात यह है कि ईमानदार होना जरूरी है, पर ईमानदार सिर्फ ईमानदार होने से देश नहीं चलता, मुल्क नहीं चलता, आपको काबिल भी होना है। मैं ऐसी टीम इकट्ठा करूंगा कि ये शहबाज गिल टाइप की उसने इकट्ठा कर लिया, 3 महीने 13 महीने किसी कुछ पता ही नहीं, दे डोंट नो एनीथिंग, इनको पता ही नहीं है क्या करना है। आपके देखिए मैं आपको छोटी सी बात फिर आपके सेकेंड पार्ट पे आता हूं। अली जी देखिए कि आपके तीन सबसे बड़े जो पैसे आते थे पाकिस्तान में तीन लोगों से आते थे, तीन एरिया से आते थे, एक चीन से आता था, एक सऊदी अरब से आता था और एक अमेरिका से आता था। अमेरिका भूख गाली दे दे के अमेरिका का भर्ता बना दिया खान साहब ने कि जहनी आजादी ये वो, और उनके अफरीदी साहब पहुंच गए वहां पे कि यहाँ की तो खवातीन है वही गलत हैं और दुनिया भर के मॉरल लेक्चर देके अमेरिका से आ गए। आपने अमेरिका से रिश्ते खराब कर दिए, अमेरिका से डॉलर आए ना आए मुझे नहीं पता। अमेरिका मतलब सिर्फ अमेरिका नहीं, अमेरिका मतलब FATF, अमेरिका मतलब वर्ल्ड बैंक, अमेरिका मतलब IMF, ठीक है। दूसरी चीज चाइना से पैसे, ट्रिब्यून आपका जो न्यूज़पेपर है बड़ा मशहूर न्यूज़पेपर है पाकिस्तान का, ट्रिब्यून की रिपोर्ट मैंने पढ़ी कि 80% ऑफ सीपैक बंद पड़ा हुआ है, 80% ऑफ सीपैक। आपसे चाइना नाराज, चाइना पैसे वापस मांग रहा है, 2.5 या 3 अरब डॉलर चाइना को वापस देने हैं। सऊदी अरेबिया, सऊदी अरेबिया से नाराजगी। तो आपने देखिए इंडिया से नाराजगी मुझे समझ में आती है, चलिए आपको अमेरिकन भी पसंद नहीं है, वो साजिशें करते हैं, बुरे लोग हैं, गंदे लोग हैं इंडिया, चलो यहूदी आपको वैसे ही नहीं पसंद, यहूदी बुरे हैं सब मान लिया, और चीनियों को तो खुश रखते, सऊदीज को तो खुश रखते, वहां पे मक्का मदीना है, सऊदीज को तो खुश रखते, किसी को तो खुश रखते, कोई भी खुश नहीं है। और ये मैं पाकिस्तानी मीडिया को कोट कर रहा हूं। तीसरी चीज आप कहते हैं कि जो इंडिया कवर करता है, इंडियन मीडिया कवर करता है, देखिए बात यह है कि न्यूज साइकिल होती है हमारी, हमारी न्यूज साइकिल होती है। मैं खुद मीडिया में काम करता हूँ, मीडिया किस तरीके से काम करता है, जो इंटरेस्टिंग न्यूज है जो उनको लगता है बिकेगी वो मीडिया कवर करता है। अगर उस समय कोई और चीज आ गई ज्यादा मसालेदार जो कि मीडिया वाले सोचते हैं, और सारे मीडिया चैनल ऐसे काम करते हैं, एवरीथिंग इज बेस्ड ऑन TRP, पब्लिक इंटरेस्ट, जो आपके व्यूअर्स हैं, बिकॉज योर लॉयल्टी इन एनी चैनल इज सपोज टू बी टुवर्ड्स योर व्यूअर्स। आपके व्यूअर्स को क्या पसंद है, अगर आपको लगता है कि इससे व्यूअरशिप आएगी तो वो दिखाते हैं, या जो न्यूज इंपॉर्टेंट होती है जो उनको लगता है इंपॉर्टेंट है वो न्यूज दिखाते हैं। इमरान खान, अच्छा इमरान खान स्टेटमेंट्स भी ऐसे देते हैं ना कि इट इज, इमरान खान का वो वीडियो देखा था ना आपने कि लाइटिंग इज एवरीथिंग, आपने देखा था ना, वो कह रहे थे कि शान का बड़ा बेकार था जो शान ने शूटिंग करी थी, ARY वालों ने जबरदस्त करी थी, लाइटिंग ही सब कुछ है। तो खान साहब को पता है कैमरा कहां पे लगा है, खान साहब पूरी अच्छी तरीके से जानते हैं लाइट्स का लगी है, खान साहब मीडिया के बंदे हैं, वो पॉलिटिक्स के बंदे नहीं है, वो मीडिया का आदमी है, उसको पता है टीवी क्या, मैं क्या बोलूंगा, क्या खबर चलेगी, ही नोज दैट वेरी वेल, एंड ही इज यूजिंग मीडिया एंड सोशल मीडिया टू हिज एडवांटेज। इतनी सी स्टोरी है जी। जी देखिए दो तीन चीजें हैं, जब 71 में पाकिस्तान का जब दो टुकड़े हुए थे, ईस्ट पाकिस्तान बांग्लादेश बना था, इंडिया चाहता तो बांग्लादेश को, जो पाकिस्तान में कहते हैं ना लोग अखंड भारत के बारे में भारत बात करता है, इंडियन आर्मी थी बांग्लादेश में, लाखों की इंडियन फौज थी, और हमारे लिए बड़ा आसान था क्योंकि मुक्ति वाहिनी हमने बनाई थी, मुक्ति वाहिनी को पैसे हमने दिए थे, मुक्ति वाहिनी को हथियार हमने दिए थे, मुक्ति वाहिनी को ट्रेनिंग हमने दी थी। द मुक्ति वाहिनी वॉज ट्रेन्ड बाय द इंडियन आर्मी, इट वॉज ट्रेन्ड बाय द रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, मुक्ति वाहिनी को हमने जन्म दिया था, लेकिन वो जो जज्बात थे मुक्ति वाहिनी के दिल में उसको जन्म हमने नहीं दिया, हमने हथियार दिए लेकिन जो उंगली थी ट्रिगर पे वो बंगालियों की थी। हमारे रिलेशन बहुत अच्छे थे शेख मुजीबुर रहमान से, और उस वक्त अगर इंडिया चाहता तो शेख मुजीबुर रहमान से बात करके कि आप लोग ये करके किसी भी तरीके से इंडिया कोशिश कम से कम करता, मैं ये नहीं कह रहा कि इंडिया कामयाब हो जाता, मैं ये नहीं कह रहा, पर इंडिया कोशिश करता कि ये पार्टीशन में भी ये एरिया हमसे अलग हुआ था, ईस्ट पाकिस्तान बन गया था, हम इस पर कब्जा, इंडिया ने एक एक रुपए की कोशिश नहीं करी, इंडिया ने बोला ठीक है अब हम लोग चलते हैं जी, राम राम बाय, हमारी फौजें वहां से निकल गई, कुछ हफ्ते महीने के बाद जब भी निकलना था वो निकल गई, वी लेफ्ट एंड वी गेव द कीज ऑफ द किंगडम टू दिस थिंग। तो हमने देखे इंडिया में, मैं आपको बताता हूं कि एक और हमारी जो धार्मिक ग्रंथ है रामायण, उससे भी मैं आपको एग्जाम्पल देता हूं कि ऐसा क्यों, क्योंकि हमारा जो रिलीजन है
वो भी हमें यही सिखाता है, जब प्रभु श्री राम ने रावण को हराया था लंका में, तो पूरी लंका खत्म हो गई थी, जो अब श्रीलंका बोलते हैं जिसको, तो वो खत्म हो गई थी। लेकिन जो रावण का छोटा भाई था विभीषण, उसको लंका का राजा बनाया और वो वापस आ गए, उन्होंने कब्जा नहीं करा लंका के ऊपर। तो ये जो पाकिस्तान में ये बात है कि भारत कब्जा कर लेगा, भारत की ऐसी कोई पॉलिसी नहीं है कि भारत किसी और मुल्क पे कब्जा करे, और हमारे लिए ज्यादा मुश्किल भी नहीं है। हाँ, कुछ मुल्क मिले हैं हमारे साथ, बिल्कुल मिले हैं, लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर इज दैट हमने नहीं, हमने मालदीव्स में ऑपरेशन करा था, हमने श्रीलंका के अंदर ऑपरेशन करा था, ऑपरेशन पवन कई साल चला, हम लोग छोड़ के आ गए श्रीलंका, हम लोग छोड़, हमें किसी में इंटरेस्ट नहीं है। पहली बात, जो एरिया पाकिस्तान ऑक्यूपाई अभी कर रहा है, जो हमारा, जिसको हम लोग जिसको कहते हैं पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, आप लोग जिसको आजाद कश्मीर कहते हैं, हमारा सीपैक का जो, सीपैक की जो भारत ऑब्जेक्ट कर रहा है किस चीज पे, पाकिस्तानियों को यह है कि पाकिस्तान में इतनी इन्वेस्टमेंट आ रही है इसलिए भारत जलता है। ये आप लोगों को, ये आपके मीडिया में और आपके सोशल मीडिया में ये एक एक थिंकिंग है, एक सोच है कि साहब ये जो है ना कि ये भारत को बड़ी जलन है, भारत को बड़ी जेलसी है, भारत बड़ा कुड़ता है अंदर से कि देखो पाकिस्तान में, वो बहुत छोटा है सीपैक एक्चुअली। माफ करिएगा, मैं ऐसे रूड नहीं होना चाह रहा, मैं गलत बात नहीं कहना चाह रहा, बट पाकिस्तान ने इन्वेस्टमेंट देखी नहीं है, पाकिस्तान को पता नहीं है सीपैक इज दिस मच। मैम, सीपैक में जितनी अभी तक इन्वेस्टमेंट हुई है 40 अरब डॉलर की ना, 60-65 की बात करते हैं, अभी तक 40 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट हुई है सीपैक में, लगभग 35-40 अरब डॉलर की, वो 15 साल में होनी है, वो 15 साल का एक मियाद है जिसमें होनी है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर जो प्लान है 15 ईयर्स का है। तो जितना 15 साल में आपका हुआ या होगा, उससे 3 गुना, 300%, 3 गुना हर साल चाइना के साथ हमारी ट्रेड है 125 बिलियन की। मतलब भारत क्यों जलेगा, भारत को क्या प्रॉब्लम है? हमारी प्रॉब्लम है कि जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है वो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर और गिलगित बाल्टिस्तान से आता है, जिसको एक 1994 का इंडियन पार्लियामेंट का रेजोल्यूशन ये कहता है कि वो जमीन हमारी है। दिस इज अ पार्लियामेंट्री रेजोल्यूशन। मसला ये है, इसके अलावा चाइना आए बोले कि जी 500 अरब की हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं पाकिस्तान में, जय हो, हैव फन, वी हैव नो प्रॉब्लम एट ऑल, हमें कोई दिक्कत नहीं है, पाकिस्तान तरक्की करे हमारी दुआ ही है, हमारी प्रॉब्लम वो है, और हमारी और कोई प्रॉब्लम नहीं है सीपैक से। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो बातें की जाती हैं ये इस वजह से की जाती हैं, वैसे कोई है, आपके ऐसे प्लान्स या इरादे नहीं है, हम नहीं, मुतमईन हो गए। अरे जी मुतमन, आप एक बात बताइए, लोग कहते हैं कि आप, अब मैं एक और चीज कहूंगा, हो सकता है आपको एज अ पाकिस्तानी पसंद ना आए, है ना, पर अगर मैं, अगर मतलब एक एक, एक आपको हाइपोथेटिकल सिनेरियो दे रहा हूं, अगर मैं अगर प्राइम मिनिस्टर हूं इंडिया का और मुझे कोई बोले कि आप पाकिस्तान ले लो, मैं सबसे पहले हाथ जोड़ के मना करूंगा। मुझे नहीं चाहिए, मैं माफी चाहूंगा पर मुझे नहीं चाहिए। हाँ, जो कश्मीर का एरिया या गिलगित बाल्टिस्तान का एरिया जो ले रखा है वो मुझे चाहिए, लेकिन मुझे कराची, लाहौर, इस्लामाबाद नहीं चाहिए, मुझे आपका सक्कर या मरी या आपके जो भी शहर है वो आप रखो, हमें बिल्कुल नहीं चाहिए, मुझे कम से कम, आई डोंट वॉन्ट दिस, एंड देर इज अ रीजन फॉर इट। अच्छा, यानी आपके आप एक उस पे वो कह रहे हैं कि उस पे आप कायम है, प्रॉब्लम यहीं पर आती है क्योंकि पाकिस्तान की तरफ से भी ऐसी बहुत से, जिस तरह जब कश्मीर की बात की जाती है तो आप जानते हैं कि वहां पर पाकिस्तान की तरफ से अड़े हुए हैं, वहां पर के जनाब ये है मामला, और यही यही जो है ना दोनों तरफ के जी ये जो है एरिया ये है, ये इलाका ये, लेकिन इस वक्त हम थोड़ा सा इससे निकलते हैं और हम कुछ बात जो है कुछ और मामला भी है जिसकी परवाह, मैं श्रीलंका पे भी आपसे पूछना चाहती हूँ कि आप क्या समझते हैं कि वहां पर आपकी तरफ से उनको मदद दी जा रही है उनको वहां से उस सिचुएशन से निकालने के लिए, या आप जी, उसको कैसे देख रहे हैं कि क्या वो उस पे ओवरकम कर लेंगे? ओवरकम तो करना ही पड़ेगा क्योंकि मुल्क है, ओवरकम करेगा वहां पे। मैं आपको बताता हूं, श्रीलंका की, मैं ये नहीं कह रहा कि पाकिस्तान और श्रीलंका के एक जैसे हाल है, मैं ये नहीं कह रहा, पर मैं कह रहा हूं कि उनकी सिचुएशन टॉप लेवल पे एक जैसी है। चाइनीज इन्वेस्टमेंट, करप्ट एलीट, ये प्रॉब्लम है, ठीक है। बात यह है कि ये हर जगह, जहां पे भी चाइनीज इन्वेस्टमेंट करते हैं, ये हर समय छोटे मुल्कों में करते हैं,
नहीं, इंडिया में भी इन्वेस्टमेंट है इनकी, ऐसी बात नहीं है, पर मैं कह रहा हूँ कि जिनको ये लोन्स वगैरह देते हैं, जो पॉलिटिकली अनस्टेबल मुल्क हैं, जो साइज में छोटे हैं, जिनका एक एलीट है, जिनका जो अशराफिया है वो करप्ट है, ये ऐसे मुल्कों को कोशिश करते हैं कि ये कंट्रोल करने में आसान हो जाते हैं, क्योंकि अब राजपक्षा ने पैसे खा लिए, जैसे उसके खानदान ने पैसे खा लिए, वापस कौन करेगा? श्रीलंका का आवाम करेगा? वो तो वापस नहीं करेगा, उसने तो खा लिया पैसे, उसके पैसे तो बाहर पड़े होंगे, ये जहां पे भी पड़े हैं उसके पैसे, तो इंडिया हेल्प करेगा। इंडिया ने अरबों डॉलर दिए हैं श्रीलंका को, इंडिया ने ऑयल वीट ये सब इंडिया भेजता रहता है, हम अफगानिस्तान के लिए भी कर रहे हैं। और एक और चीज कमाल की बात है, आप कभी किसी श्रीलंकन से पूछिएगा कि तुम्हारे यहां चाइना ने भी पैसे डाले और इंडिया ने भी पैसे डाले, फर्क क्या है? ये कभी पूछिएगा किसी श्रीलंकन से? मैं जो भी पाकिस्तानी भाई बहन देख रहे हैं, मैं उनसे भी यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप पूछिएगा किसी श्रीलंकन से, वो आपको बताएंगे। चाइनीज ने श्रीलंकन की गुर्दा कलेजी निकाल दी पैसा देके, ये बात सच है। हरमनटोटा पोर्ट उनका छीन लिया, एक ऐसा एयरपोर्ट बनाया आलिया जी, एक ऐसा एयरपोर्ट बनाया जिसमें कि पिछले 5 साल से एक हवाई जहाज लैंड नहीं हुआ, एक हुआ था डे वन पे जिस दिन इनॉग्रेशन हुआ था, उस दिन के बाद हवाई जहाज कोई लैंड ही नहीं हुआ। हरमनटोटा पोर्ट फेल, खत्म। तो बात ये, वी आर हेल्पिंग, हमारा नेबर है, हम अनस्टेबल पूरी कोशिश करेंगे, बट हमारी हेल्प मिलिट्री नहीं होगी। इंडिया ने साफ मना कर दिया, हम अपनी फौज नहीं भेजेंगे वहां पे, इट्स फॉरगेट इट, पैसे आप ले लो, आपको गेहूं चाहिए, चावल चाहिए, आटा चाहिए, जो चाहिए ले लो, दवाइयां चाहिए ले लो, तेल चाहिए ले लो, जो चाहिए बोलो, क्या चाहिए, विद इन आवर मीन, जितने भी हमारी हैसियत है हम पूरी कोशिश करेंगे अपने नेबर को, लेकिन फौज नहीं जाएंगी वहां पे, ये इंडियन गवर्नमेंट इज वेरी कैटेगोरिकल।